सभी को नमस्कार। मित्रों, इन दिनों हम लोग जनसुलभ पुस्तकालय कहन कोश की ओर से सुपरिचित कवि, अनूठे कवि, लोकप्रिय कवि और जनसाधारण की आवाज और बतकही को अपनी कविता में निरंतर उतारते आते कवि भगवत रावत जी को याद कर रहे हैं। और अच्छा लग रहा है कि इन कड़ियों को आप सभी लोग यूं पसंद कर रहे हैं। पहली कड़ी में हमारे साथ कवि संपादक लीलाधर मंडलोई जी जुड़े, दूसरी कड़ी में आप लोगों ने आलोचक अरविंद त्रिपाठी जी का वक्तव्य सुना, तीसरी कड़ी में रचनाकार संवेदना रावत जी ने अपनी बात रखी, जो भगवत जी की सबसे छोटी पुत्री भी हैं, और चौथी कड़ी में उनकी दूसरी संतान और पहली पुत्री प्रज्ञा रावत जी ने अपनी बात रखी, जो स्वयं एक अच्छी कवित्री हैं। पांचवी कड़ी में हम लोगों ने कवि, जाने माने कवि नरेश सक्सेना जी को सुना, और छठी कड़ी में हम लोगों ने शरद कोकास जी के कई ऐसे प्यारे संस्मरण सुने। सातवीं कड़ी में कवि गद्यकार विष्णु नागर जी ने भगवत जी से जुड़े संस्मरण तो सुनाए ही, हालांकि वे संस्मरण कम थे, उन्हें कई चीजें याद नहीं थी, मगर उसके अतिरिक्त उनकी कविताओं के जिस तरह से उन्होंने कथा कही अपनी स्मृति के आधार पर, वह उस कड़ी को खास बनाती है। और हम लोगों ने आज आठवीं कड़ी में अर्थशास्त्र की प्रोफेसर रचनाकार अनुपमा रावत जी भगवत जी की तीसरी संतान है, दूसरी बेटी है। और आज यह बेहद खुशी की बात है कि एक बेहद सतर्क, सजग और निडर आलोचक विजय कुमार जी हमसे जुड़े हुए हैं। वे अपने तई उनकी कविताओं पर बात करेंगे, उन कविताओं का क्या महत्व रहा है, क्या उसकी आज प्रासंगिकता है, इस पर अपनी राय देंगे। और साथ ही भोपाल हो, मुंबई हो या कुछ अन्य जगहें हो जहां इन दोनों लेखकों का आमना सामना हुआ है, सुदीर्घ बातचीत हुई है, कई कार्यक्रमों में शिरकतें हुई हैं और अनौपचारिक गोष्ठियों में भी उठना बैठना हुआ है, तो वे स्मृतियां भी आज हम सभी के बीच आएंगी। तो ज्यादा समय न लेते हुए हम सीधे मुंबई चलते हैं, जहां से हमारे बीच प्रखर आलोचक विजय कुमार जी जुड़ रहे हैं, उन्हें मंच पर आमंत्रित करते हैं। जी विजय जी, नमस्कार, स्वागत। नमस्कार जी। जी, मेरी आवाज आ रही है अर्पण जी? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है विजय जी। और हमें यह भी प्रसन्नता है कि जनसुलभ पुस्तकालय का जो ऑनलाइन कार्यक्रम चला, 1000 से ऊपर एपिसोड हुए, कई बार हमने कुछ एक कवियों पर आपसे अनुमति मांगी, संपर्क किया, लेकिन कई कारणों से, कई बार आप बहुत व्यस्त रहे, घर में भी कई समस्याएं रही, आप नहीं आ पाए, तो खैर देर से आए दुरुस्त आए, भगवत रावत जी पर आज आप आए हुए हैं, तो जनसुलभ पुस्तकालय कहन कोश की पूरी टीम की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन विजय जी, और अनुरोध करता हूं कि आप अपनी बात आरंभ करें। विजय जी, जी धन्यवाद अर्पण कुमार जी, आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला चला रहे हैं। हम सबके अग्रज और परम आदरणीय कवि भगवत रावत जी को याद करना एक तरह से कविता की उस जमीन को याद करना है, जो बहुत ही समृद्ध जमीन है और जिससे आने वाली पीढ़ियां निरंतर आने वाले समय के लिए प्रेरणा प्राप्त करती रहेंगी। रावत जी को याद करना उस दौर को याद करना है जिसने हिंदी कविता में एक बहुत ही
महत्वपूर्ण परिवर्तन को रचा और भाषा में, विषय वस्तु में, शिल्प में, कहने के अंदाज में। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके दौर में समय जिस तरह से बदल रहा था उसकी बहुत सूक्ष्म झांकियां भगवत रावत जी की कविता में होती हैं। और मुझे ये लगता है कि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा हम लोग रावत जी जैसे कवियों की ओर दोबारा मुड़कर देखेंगे और उनसे बहुत सारी नई चीजें हमें जानने, समझने, सीखने को मिलेगी। मैं भगवत रावत जी पर कोई बात करने से पहले एक छोटा सा किस्सा आपको बताना चाहता हूँ जो बहुत दिलचस्प है। रावत जी की तबीयत ठीक नहीं थी, वो बंबई अस्पताल में भर्ती थे, तो यहाँ जनवादी लेखक संघ के कुछ मित्र उन्हें देखने गए अस्पताल में और उन्होंने बातचीत में एक बात कही कि रावत जी हमारा अभी 3 दिन बाद एक कार्यक्रम है और आप स्वस्थ होते तो कितना अच्छा होता, हम इस कार्यक्रम में आपको भी सुनने आते। रावत जी ने कहा कि इसमें कोई ऐसी समस्या नहीं है, मैं भले ही अस्पताल में भर्ती हूँ मैं आपके कार्यक्रम में आ सकता हूँ। तो हमें लगा कि ये तो रावत जी कुछ मजाक कर रहे हैं, ऐसे कैसे संभव है। रावत जी ने कहा कि तुम उसके लिए निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारे कार्यक्रम में जरूर आऊंगा, अस्पताल से उठकर आऊंगा। रावत जी ने क्या डॉक्टर से बातचीत की होगी, कैसे उन्हें मनाया होगा, उसकी मूल संवाद की जो उनकी स्पिरिट रही होगी उन्होंने ये कहा होगा शायद, जो कि उन्होंने बाद में बहुत संक्षेप में बताया। उन्होंने डॉक्टर से कहा कि कार्यक्रम में जाना मेरे लिए एक थेरेपी है और मेरा मूड बदलेगा, मेरे एक भीतर से मुझे एक खुशहाली और उत्साह आएगा और निश्चित जानिए उससे मेरी तबीयत में भी सुधार होगा। और महत्वपूर्ण बात यह है कि डॉक्टर ने उनके कहने को भली बात समझा और रावत जी कार्यक्रम के दिन उस कार्यक्रम में मौजूद थे, अस्पताल से उठकर आए थे और कार्यक्रम के बाद वे दोबारा अस्पताल में चले गए और डॉक्टर ने कुछ घंटे के लिए उन्हें अनुमति दी थी। तो ये एक विलक्षण अनुभव हमने रावत जी का देखा जिसमें उनकी जीवंतता, उनकी मित्रवादिता, उनका कला के प्रति समर्पण और एक बेफिक्री, ये सारी चीजें दिखाई देती हैं। और हम सब मित्र आज भी इस बात को चर्चा करते हैं कि रावत जी इन अर्थों में विलक्षण थे। मेरा रावत जी से परिचय 1980 के आसपास भोपाल के ही एक कार्यक्रम में हुआ और बल्कि उससे एक आध साल पहले की बात होगी। और मुझे ये लगा कि रावत जी से मिलना जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुभव था, क्योंकि मैंने रचनाकार के रूप में और एक व्यक्ति के रूप में बहुत सारी उनमें वे खूबियां देखी जो वास्तव में आज के समय में दुर्लभ है। रावत जी से मुलाकात के बैकग्राउंड में, उसकी पृष्ठभूमि में 80 के समय का वो बदलता हुआ परिवेश था, बल्कि मैं कहूँगा कि इमरजेंसी के बाद के वो वर्ष थे जब कविता में, समय की चेतना में और पूरे माहौल में एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव आ रहा था। रावत जी से मिलना एक प्रकार से उस पीढ़ी के तमाम महत्वपूर्ण कवियों से भी मिलना था, क्योंकि रावत जी के साथ जब मुलाकात हुई उन्हीं दिनों चंद्रकांत देवताले जी से मुलाकात हुई, सोमदत्त जी से मुलाकात हुई, विनय दुबे जी से मुलाकात हुई, विष्णु खरे से मुलाकात हुई। ये सब उस पीढ़ी के लोग थे जो इमरजेंसी के बाद के बदलते हुए दौर की एक नई कविता को लेकर आ रहे थे और इनके सामने चुनौतियां भी कम नहीं थी। सोमदत्त जी का आयोजन राजनांदगांव में उन्हीं दिनों मुक्तिबोध पर हुआ था, उसमें भी मेरी रावत जी और विष्णु खरे जी के साथ एक अच्छी मुलाकात रही। मैं भोपाल के उस समय को जब याद करता हूँ, रावत जी की
उपस्थिति को उस पूरे माहौल में देखता हूं तो मुझे कई बातें बहुत महत्वपूर्ण लगती हैं। एक तो वो समय ऐसा था जब एक तरफ तो कलाओं का एक संस्थानीकरण हो रहा था, कविता की वापसी की बहुत सारी बातें की जा रही थी, भोपाल का वातावरण एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि सेमिनारों से, व्याख्यानों से, कविता उत्सवों से, पीठ और पुरस्कारों की धमाचौकड़ी से, और एक पूरे कल्चरल, एक सांस्कृतिक वाइब्रेंट जिसको हम कहेंगे, एक बहुत ही सघन सांस्कृतिक माहौल का वातावरण था। लेकिन भगवत रावत जी से मिलते हुए ये भी लगा कि उनकी कविता में तो ये बात थी, उनके व्यक्तित्व में भी ये बात थी कि उनकी पूरी उपस्थिति संस्थानों पर निर्भर नहीं थी। एक संस्कृति का जो संस्थानीकरण हो रहा था उससे बाहर कहीं भगवत रावत जी खड़े थे, और वो बहुत जमीन के आदमी थे। उनमें एक खास तरह की सरलता, सहजता, एक निराभिमानी व्यक्तित्व, एक मित्रवादिता, गर्मजोशी, एक खुलापन, दूसरे में एक गहरी जिज्ञासा, एक खास तरह की बेपरवाही और फक्कड़पन, एक देशज संवेदना भी जिसको हम कह सकते हैं, एक निश्चलता हम कह सकते हैं। ये सारी चीजें रावत जी को एक बहुत ही दिलचस्प व्यक्ति बनाती थी, और उनसे मिलने के बाद, उनसे निकट संपर्क में आने के बाद, उनसे प्रभावित हुए बिना और उनसे कुछ सीखे बिना रह जाए यह असंभव था। मतलब ये कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि 80 के दशक से थोड़ा सा पहले, जहाँ कलाओं का एक बड़े स्तर पर संस्थानीकरण हो रहा था, वहां रावत जैसे लोग थे जो कलाओं की आत्मनिर्भरता और कलाओं की सादगी और कलाओं के जनजीवन से जुड़ाव के बहुत बड़े पक्षधर थे, और साहित्यकारों की एक अभिजन संस्कृति के विरुद्ध वे खड़े थे। उनमें अपने किसी प्रकार का कोई लाभ लोभ, कोई प्रलोभन नहीं था, अपने होने का कोई अहंकार नहीं था। और मुझे ये लगता है कि रावत जी से जब भी मेरी मुलाकात हुई, वो संस्थानों के बाहर हुई। वो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि वो पान की दुकान पे, गली पे, किसी के घर पे, चौराहे पर, स्कूटर पर उन पर आते जाते, बहुत सारी बातें उनसे होती रहीं। और मुझे ये लगा कि ये जो एक साधारण जन का कवि है, जिसकी कविता सड़क, हाट, बाजार, श्रमिकों की स्थिति, परिवार की दुनिया, एक सीधे सीधे जो एक मामू जिसको हम ग्रास रूट की जिंदगी कहते हैं, उससे जुड़ी हुई कविता है, और उनका व्यक्तित्व कहीं बहुत ही एक इस तरह के खुलेपन से जुड़ा हुआ था कि उनसे मिलना एक ताजगी का अनुभव कराता था। बल्कि हम लोग तो ये कहा जाएगा कि उस समय एक फॉर्मेटिव ईयर्स थे वो हमारे, हम लोग कुछ सीख रहे थे। रावत जी की उपस्थिति का हम हमारे दिलो दिमाग पर एक बहुत गहरा असर पड़ा। रावत जी के बारे में ये कहा जा सकता है कि एक उनकी जो खुली खुली बुंदेली बुंदेलखंडी हंसी थी, उसमें सारी जटिलताएं, समय की सारी जटिलताएं मूर्त होते हुए, और उनका जो एक संसार था वो पूरी तरह से मूर्त हो जाता था। और ये लगता था जिस तरह का उनके भीतर खुलापन था, जैसे कि बारिश के बाद का एक खुला हुआ आसमान हो। कुछ था जो यकीन दिलाता था कि ये शख्स इतना सादा, इतना नैसर्गिक, इतना राग से भरा हुआ है कि इस पर कोई भी दूसरा रंग चढ़ना मुश्किल है। रावत जी से पहली मुलाकात के थोड़े दिनों बाद ही मैंने जाना कि सयाने लोगों के कला विमर्शों से उनकी देशज उपस्थिति कुछ इस तरह की अलग थी कि 5 मिनट के भीतर ही आप उनके साथ अभय महसूस करें, उनके साथ एक दोस्ताना पन महसूस करें। दूसरी बात ये थी कि जो बहुत खास मीनिंग रखती है कि रावत जी इतने संवेदनशील और इतने खुले थे कि
कि आप उनके साथ कुछ भी शेयर कर सकते थे, वो इतने सीधे सज्जन एक सादगी से भरे हुए इंसान थे, कितने उनके भीतर इतनी उष्मा थी कि मुझे लगता था कि ऐसे व्यक्ति के साथ हम खुल जाना बहुत स्वाभाविक पाते हैं। दूसरी बात ये थी कि जो मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि आमतौर पर यह कहा जाता है कि कला और कलाकार के बीच में एक अंतराल होता है। रावत जी मुझे लगता है कि इस दूरी को जैसी कविताएं वो लिख रहे थे, जैसा उनका टेम्परामेंट था, वैसे ही वो अपने निजी जीवन में थे। उनके कलाकार और उनकी कला के बीच में कोई गैप, कोई अंतराल दिखाई नहीं देता है। मुझे ये लगता है कि जैसे ये कहा जाता है, एक बहुत बड़े 20वीं सदी के कला चिंतक हुए हैं, कवि हुए हैं, ऑक्टेवियो पाज, उन्होंने कहा था कि कला जो है वो कलाकार के व्यक्तित्व का निषेध है। मुझे ये लगता है कि रावत, भगवत रावत जैसे लोग ऑक्टेवियो पाज की इस बात से पूरी तरह से मैं समझता हूँ कि अलग थे। उनकी कविता और उनके व्यक्तित्व के बीच में जो फर्क नहीं था, वो बुनियादी रूप में मुझे लगता है एक मित्रवादिता की कविता है। उनका पूरा स्वर और टेम्परामेंट जो है वो एक संबोधन का टेम्परामेंट है, वो खाइयों को नहीं पुलों को महत्व देती है, इस हमें सावधान करती है। दूसरों से संबोधन है उस कविता में, और स्वयं अपने आप से सबसे ज्यादा संबोधन है। और एक प्रकार से ये हमारे समय की एक विडंबना ही कहिए कि कवि और कविता के बीच में जब सारे अंतराल मिटने लगते हैं और जो एक सरलता होती है, तो उसको कई बार इस संस्थानी संस्कृति में, इस जोड़ तोड़ की दुनिया में, कई बार उसकी कीमत एक ऐसे सादा और निश्चल स्वभाव वाले रचनाकार को चुकानी पड़ती है। यह अकारण नहीं है कि भगवत रावत जी की कविता को जो महत्व मिलना चाहिए था वो शायद नहीं मिला, और उनके भीतर एक कहीं इस बात का कोई अगर कोई शिकायत या उलाहना रही भी रहा भी होगा तो वो उसे हंसी में उड़ा देते थे। एक बात बहुत खास मैं कहना चाहूँगा कि भगवत रावत का पहला कविता संग्रह 38 वर्ष की उम्र में, यानी 38 वर्ष की उम्र में 1977 में आया, समुद्र के बारे में। हम आज जिस समय में हम देखते हैं कि युवाओं की कुछ कविताएं कहीं छप जाती हैं या एक संग्रह आ जाता है, तो एक खास तरह का उनके भीतर आत्ममुग्धता का संसार जन्म लेने लगता है। उस तुलना में जब हम भगवत रावत जी को देखते हैं, जिस व्यक्ति ने 38 वर्ष की उम्र तक पहला संग्रह छपने का इंतजार किया, ये आज के संदर्भों में देखा जाए तो कोई साधारण बात नहीं है। मैं रावत जी से एक दो बार मैंने पूछा कि रावत जी आप गणित में बहुत कमजोर हैं क्या, आपने इतने विलंब से अपना कविता संग्रह छपाया, तो रावत जी हंस देते थे और उस हंसी में फिर आगे कुछ भी उनसे इस बारे में बात करना संभव नहीं रहता था, क्योंकि उस हंसी में बहुत सारे रहस्य छुपे हुए थे। एक बात, दूसरी चीज ये है कि रावत जी की इस जो उन्होंने देर से मान लीजिए अपनी कविताएं छपाई, तो इसमें देखने की बात, गौर करने की बात यह है कि उनका अपने भीतर कितना आत्मविश्वास रहा होगा। यानी वो इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझते थे कि जो एक भीड़ है लोगों की अपने आप को प्रदर्शित करने के, उसके बीच में अपनी आंतरिकता में, अपने में रहना और अपने में विश्वास रखना, ये एक खास तरह का एक प्रतिरोध था उस पूरी संस्थानी संस्कृति का, जिसकी बहुतायत तो आज हम बहुत ही ज्यादा देख रहे हैं। तो उन दिनों रावत जी की कविता की एक पंक्तियां मुझे याद आती हैं, जो कहा जा सकता है कि उनकी कविता का मूल है, कि मुझे एक भाषा चाहिए जो उसकी आंख को आंख कह सके, जिसका सिर्फ अर्थ आंख हो। ये जो सादगी है, ये जो एक तरह की प्रत्यक्षता है, ये जो एक साधारणता के प्रति एक जुड़ने का जो एहसास है, ये मुझे लगता है कि
आज इस चीज को मुड़ कर देखना बहुत जरूरी है कि कैसे कोई कवि इतनी सीधी सरल भाषा में अपनी अभिव्यक्ति को कह सकता है। बल्कि मैं कहूंगा कि कविता की वापसी का वो दौर था जिसमें एक तरफ चंद्रकांत देवताले, विनय दुबे, सोमदत्त, भगवत रावत जी जैसे कवि थे, दूसरी ओर बहुत सारे 80 के बाद के उभरते हुए कवि थे। ये सारे कवि और विशेष रूप से रावत जी, मैं कहूंगा कि एक ऐसे समय को कविता में ला रहे थे जो हमारे बहुत पास पड़ोस का रोजमर्रा का औसत जीवन है। कविता अब राजनीतिक मुहावरेबाजी, नारेबाजी और वो जो एक बड़ी बोझिल सी दार्शनिकता कविता में होती है उससे मुक्त होकर जनजीवन और रोजमर्रा की साधारण स्थितियों से जुड़ रही थी। ये हिंदी कविता में उस समय का इमरजेंसी के बाद का एक निर्णायक दौर है जिसको ये सारे कवि अपने अपने ढंग से समृद्ध कर रहे थे। मुझे एक दूसरी बात ये भी यहाँ कहनी है कि रावत जी की कला का रहस्य ये है कि वो बहुत ही साधारणता जो रोजमर्रा की है उसमें से अपने दृश्य, घटनाएं, प्रसंग और अपनी बातों को चुनते थे और ये लगता था कि ये जो साधारणता है इसके भीतर कितनी असाधारणता छिपी हुई है, इसमें कितने सारे रहस्य छिपे हुए हैं। कला जैसे कि उस साधारणता को, उस रोजमर्रा को, उस औसत को खोलती है तो उसके भीतर एक बड़ा संसार दिखाई देने लगता है और सारे कला के तर्क वितर्क, सारे कला की कीमियागिरी सब कुछ उस औसत और रोजमर्रा के भीतर से जन्म लेती है। मैं रावत जी की एक कविता का यहाँ पर उद्धरण देना चाहूंगा जो मुझे लगता है कि उस दौर में ही नहीं आज भी वो एक लैंडमार्क कविता कही जाएगी। उस कविता की पंक्तियां हैं कि अल्मोनियम का वो दो डिब्बों वाला कटोरदान बच्चे के हाथ से छूटकर नहीं गिरा होता सड़क पर तो ये कैसे पता चलता कि उसमें चार रूखी रोटियों के साथ साथ प्याज की एक गांठ और दो हरी मिर्चें भी थीं, नमक शायद रोटियों के अंदर रहा होगा और स्वाद किन्हीं हाथों और किन्हीं आंखों में जरूर रहा होगा। ये जो एक नई तरह का एस्थेटिक्स उन दिनों कविता में विकसित हो रहा था उसका ये एक, हम इसको मानक कविता कह सकते हैं कि साधारण दृश्य के भीतर की रहस्यात्मकता, कविता में जीवन के अर्थ का विस्तार और एक कविता जो सामान्य पाठक को भी सीधे सीधे आलोड़ित कर सकती है, ये हिंदी कविता में एक तरह का नया अंदाज था। भगवत रावत को हम उस दौर की कविता का एक पायोनियर पोएट कह सकते हैं। उन्होंने इस तरह के एक नए मुहावरे को लाया जैसे बच्चों पर लिखी गई उनकी कविताएं, स्त्रियों पर लिखी गई उनकी कविताएं, सड़क के किनारे ठेला लगा के सामान बेचते हुए लोगों पर, श्रमजीवियों पर उनकी कविताएं, ऐसे तमाम संदर्भ उनकी कविताओं में मिलेंगे जिन्होंने 80 के बाद की कविता का लगभग पूरा का पूरा सौंदर्य शास्त्र बदल दिया। एक दूसरी बात यहाँ कहनी चाहिए जब हम कला की व्याख्या कर रहे हैं, रावत जी जब ये कहते हैं कि चार सूखी रोटियों के साथ साथ प्याज की एक गांठ और दो हरी मिर्चें भी थीं और स्वाद कितनी आंखों और कितनी हाथों में जरूर रहा होगा, तो ये क्या कोई दृश्य का कोई स्थूल बखान है? मुझे लगता है कि वो कई स्तरों पर ये कविता अपना काम करती है। सबसे पहले तो ये उस दुनिया पर केंद्रित होती है जिस दुनिया को देखते हुए भी हम नहीं देखते और वो दुनिया अक्सर हमारी आंखों से ओझल रहती है, क्योंकि ये एक सनसनीखेज समय में जहां हमारी आंखें चौंधियाई हुई हैं, हमारी संवेदन तंत्री को जो महज भड़कीली चीजें आज दिखाई दे रही हैं वहां से उनको एक सामान्यता की ओर लाना, जीवन के उन ओझल दृश्यों की ओर लाना जिनको देखकर भी हम नहीं देखते। कविता में साधारण की यह प्रतिष्ठा देखने और सुनने की हमारी बन चुकी आदतों के खिलाफ एक नैतिक प्रतिरोध है। मैं इसको सिर्फ एक काव्यात्मक सौंदर्य नहीं कहूंगा, मैं इसको एक नैतिक प्रतिरोध के रूप में भी कहूंगा जिसमें
उस साधारण व्यक्ति के जीवन की स्थितियों को जानने की जिज्ञासा के साथ साथ कहीं किसी स्तर पर न्याय की एक कामना है। न्याय की एक कामना कविता की भाषा में एक अतिशय कोमलता, लगाव और इंद्रिकता के रूप को उभारती है। ये जो तीन तत्व मैं कह रहा हूं कि कोमलता, लगाव और इंद्रिकता, इनके बाद ही उस कविता का सारा कथ्य जो है एक बड़े धरातल तक जाने लगता है और हमें लगता है कि ये जो कविता इतने साधारण जीवन की थी, ये साधारण जीवन इतना साधारण नहीं है, क्योंकि हमारी बहुत सारी क्लास कंडीशनड मानसिक अवस्थाएं रहती हैं। हम साधारण सड़क, हाट, बाजार और श्रमिक के जीवन के इन दृश्यों को देखकर भी अक्सर अनजान रहते हैं। तो ये जो चार सूखी रोटियां, प्याज की एक गांठ और हरी मिर्च है, ये एक संपूर्ण जीवन है। ये इसको हम कह सकते हैं कि अदृश्य रह जाने वाली दुनिया है। और ये जो चीज है, ये जीवन इस कविता में बड़े ही औचक रूप से आता है। ये नहीं है कि उसके लिए बड़ी कीमियागिरी दिखाई जा रही है, उसके लिए बड़ा साजो सामान जुटाया जा रहा है। वो इस तरह से कविता में आता है जैसे कि मान लो सारे कविता के दरवाजे खुले हुए और जीवन की जो एक विराटता है बहुत साधारण चीजों के माध्यम से उस कविता में प्रवेश कर रही है। तो ये जो एक खास तरह की मैं निरायासता कहूंगा, इसको कविता में उपलब्ध करना कोई आसान बात नहीं होती। जाने कवि ने कितना अपने आप को मानसिक रूप से तैयार किया होगा जब वो इस साधारणता के साथ अपने एक संबंध को, एक लगाव को, अपनी एक सहवर्तिता को उसमें ले आता है। मैं एक इसी कविता का जो आगे का उदाहरण है वो देना चाहूंगा। बस इतनी सी ही भाषा थी उसकी, यानी कटोरदान जो सड़क पे गिर पड़ा जिसमें हरी मिर्च और प्याज की दो गांठें और सूखी रोटी थी, उसको एक आगे के स्टेज पर यह कविता कैसे ले जाती है। कवि कहता है कि बस इतनी सी ही तो भाषा थी उसकी जो अचानक फूट कर फैल गई थी सड़क पर। ये सोचना बिल्कुल बेकार था कि उस भाषा में कविता की कितनी गुंजाइश थी। ये देखिए, कहीं ना कहीं ये कविता एक बड़े सवाल को खड़ा करती है कि पक्षधरता का सवाल, कि मैं अति साधारण के साथ अगर जुड़ा हुआ हूं तो मुझे एक स्तर पर आके इस बात की भी चिंता नहीं रह जाती कि मेरी कविता में कलात्मकता कितनी है। कलात्मकता का यह आग्रह जो अक्सर अभिजन सौंदर्य बोध करता है, एक कवि जनसाधारण से जुड़ते हुए उस अभिजन संस्कृति को भी एक स्तर पर आकर नकार देता है। तो एक नैतिक चेतना की जो बात मैं कह रहा था कि एक कवि इस चिंता से उबर जाए कि उसकी कविता में कोई कलात्मकता है या नहीं, उसमें कोई बड़े प्रतीक और बिंब और बड़ी सूक्तियां हैं कि नहीं, इन सब से हटकर उस साधारणता में। मैं कई बार रावत जी की कविताओं को पढ़ते हुए आज मैं ये भी महसूस करता हूँ कि अक्सर ये जो अपने आप को कवि समझने का, विशिष्ट समझने का, अपने को कलाकार समझने का जो अभिमान होता है, इसके बाहर वो जो जीवन है जहाँ कला और जीवन के बीच में कोई फर्क नहीं रह जाता, भगवत रावत जैसे लोग उस संधि स्थल को हमारे सामने रखते हैं। भगवत रावत ये प्रगतिशील विचारधारा के रहे, पक्षधरता का उनके यहाँ के स्पष्ट आग्रह है, लेकिन उनकी कविता विचारों का अनुगमन मात्र नहीं है। कवि औसत भारतीय जीवन के रोजाना के सच में अपनी कविता को संभव कर रहा है, ऐसा रोजाना का सच जिसमें हमारे तमाम तरह के अंतर विरोध है, एक ऐसा सच जिसमें पूरा का पूरा एक निम्न मध्यवर्गी या उससे भी नीचे का एक निम्न वर्गीय संसार है जो अपनी तमाम विविधताओं के साथ, अपनी तमाम छटाओं के साथ, अपने तमाम रूप रंग के साथ मौजूद है। और कविता इस संसार की जीवन स्थितियों की व्याख्या है, इसकी तमाम तमाम शक्लों की एक रंगकारी भी है। तो भगवत रावत की कविता में एक और बात मुझे खास दिखाई देती है कि उनकी कविता में चित्रण और कमेंट, चित्रण और टिप्पणी कहाँ एक दूसरे में घुल मिल जाती है, इसको अलगाना बहुत मुश्किल है। जहां वो चित्रण है उसी के साथ एक अंतरधारा
उन चीजों पर टिप्पणी करते चले जाने की है, और ये लगता नहीं है कि कवि कहीं बाहर से अपनी किसी विचारधारा को आरोपित कर रहा है। वो कविता जिस प्रकार से अनफोल्ड होती चली जाती है, कवि का मंतव्य भी वहां उसमें साफ दिखाई देता है। और ये बात भी है कि इसमें एक खास तरह का धीरज है, रचने का धीरज, एक राग है, करुणा है, अनुकंपा है, वेदना है, ये सारी चीजें मिलकर उस जनसाधारण से लगाव की एक ऐसी कविता बनाती है जो कविता दुसही स्थितियों का विलाप नहीं रह जाती, और ना ही वो विडंबनाओं को उभारने में सिनिकल होती है। वो तो एक संज्ञान की, आर पार देख लेने वाली निगाह की, भावात्मक उद्रेक की, एक करुणा की, मनुष्य स्वभाव की किसी बुनियादी जिजीविषा और पॉजिटिविटी की एक सकारात्मकता की कविता बन जाती है। अब इसी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए मैं कहूंगा कि घर परिवार भारतीय जनजीवन का, उसके जाति अनुभव का बुनियादी आधार है। भगवत रावत जी ने यानी ये कह सकते हैं कि परिवार, रिश्तों, स्त्रियों, बच्चों पर जितनी मार्मिक कविताएं लिखी हैं, शायद वैसा दूसरा उदाहरण हिंदी कविता में नहीं मिलेगा। एक उनकी कविता है जो अक्सर जिसका उद्धरण दिया जाता है, कचरा बीनती लड़कियां। हिंदी कविता में पहली बार स्त्री, श्रमजीवी स्त्री, उपेक्षित स्त्री, अपमानित स्त्री, उसका भी एक संसार हो सकता है, उसकी पूरी डिटेलिंग में रावत जी जाते हैं, और उस कविता को एक प्रकार से सारी वस्तु जगत की स्थितियों में एक केंद्रीय महत्व मिलता है। यानी भारतीय समाज में स्त्री के श्रम और उसकी खामोशियों का इतना ग्राफिक वर्णन, जिसमें ग्राफिक होते हुए भी, डिटेलिंग होते हुए भी शब्द स्फीति कहीं नहीं है। ये बात मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगती है कि एक कवि बहुत सारे विवरणों को कविता में ला रहा है और शब्द स्फीति नहीं है, पंक्ति दर पंक्ति, एक स्थिति के बाद दूसरी स्थिति, जैसे वो आपको आलोड़ित करती चली जाती है और वो एक रहस्यों का एक संसार खुलता चला जाता है। उसका बाहरी जो एक शारीरिक जो उसका एक प्रयास है चीजों को करने का, कचरे बीनने का, उसके साथ साथ उसके भीतर क्या घटित हो रहा है, कवि उस दृष्टि को भी, उस अंतर्वेदना को भी कहीं अपनी उस कविता में उभारने लगता है। तो ये जो एक प्रकार से हम ये कहेंगे कि प्रेम कविताएं भी उनकी जिस तरह की हैं, परंपरागत रूप से हिंदी में जिस तरह की प्रेम कविताएं लिखी जाती थी स्त्री के प्रति, भगवत रावत उस पीढ़ी के कवि हैं जिन्होंने घर की स्त्री से प्रेम की कविताओं को उसकी दैनंदिनी, उसकी घरेलूपन के बीच में, उसके सारी श्रम की दुनिया के बीच में, उसके समय के बोध के साथ जोड़कर देखा। ये उस तरह की एक रोमांटिक कविताएं ना होकर स्त्री के प्रति गहरी करुणा, लगाव और अनुकंपा की कविताएं हैं। जैसे मैं एक कविता का कुछ पंक्तियां आपको सुनाऊं कि इतनी थक चुकी है वो, प्यार उसके बस का नहीं रहा, 35 बरस के उसके शरीर की तरह, जो 35 बरस का सा नहीं रहा, घर के अंदर रोज सुबह से वो लड़ती झगड़ती है वो बाजार से, और बाजार रोज शाम घर ढूंढते ढूंढते हो जाती है। यानी ये देखिए, एक एक घरेलू स्त्री, उसका जीवन, उसकी दुनिया जिस प्रकार से उसमें आई है, वो हिंदी कविता में इसके पहले कहीं भी नहीं था। निराला के यहाँ आपको तोड़ती पत्थर जैसी कुछ कविताएं मिल जाएंगी, लेकिन उसके बाद ये जो कचरा बीनती लड़कियां जैसी कविता है, ये हिंदी कविता में एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन है, और भगवत रावत ने जिस जमीन को तैयार किया वो आगे के कवियों के लिए बहुत बड़ी, वो 80 के दशक के तमाम कवियों के लिए एक जमीन थी। उनको इसको स्वीकार करना पड़ेगा कि चाहे चंद्रकांत देवताले हों, चाहे भगवत रावत हों, चाहे विष्णु खरे हों, ये वो लोग थे जिन्होंने 80 के कवियों की नई पीढ़ी के लिए भावबोध की एक नई जमीन दी, और हमें इस बात को स्वीकार करना होगा। मैं
एक एक और चीज मैं बताऊंगा भगवत रावत जी की कविता के लिए, स्त्री के लिए करुणा और संताप का जो उनकी कविता में बोध है उसको वो स्त्री की थकन से जोड़ते हैं, उसके श्रम से जोड़ते हैं। एक छोटी सी कविता है, एक मतलब के सो गई है, सोई हुई स्त्री। रघुवीर साहब के यहाँ बाद के दिनों में बहुत सारी कविताएं स्त्री सोई हुई स्त्री के बारे में मिलती है, लेकिन मुझे लगता है कि इस बात की शोध होनी चाहिए कि सोई हुई स्त्री को कविता में लाने का एक किस तरह का अर्थ बनता है। एक एक शरीर जो दिन भर के श्रम से श्रम करने के बाद थक चुका है और वो अपनी किसी निजी दुनिया में चला गया है, कभी उस सोए हुए शरीर को किस तरह से देखता है जिसमें अपार करुणा का एक समुद्र उमड़ पड़ता है। वो कविता है, कोई लंबी कहानी ही शायद बयान कर सके उसकी थकन, जो मुझसे दूर दो बच्चों की दूरी पर न जाने क्या सिलते सिलते हाथों में सुई धागा लिए हुए सो गई है। ये छोटी सी कविता करुणा का एक महासागर है। सोया हुआ कोई भी व्यक्ति एक फरिश्ता लगता है, जब उस घड़ी इस दुनिया समय और अपनी देह की गिरफ्त से बाहर है, उसका अपना समय है, एक दौड़ते भागते जीवन के बीचों बीच कभी जैसे ठिठक गया है, वो इस पल को उसकी पूरी उत्कटता में समेट लेना चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि रोज रोज इस दृश्य के घटित होने से उसकी मार्मिकता समाप्त नहीं हो जाती। जीवन जितना दिखाई दे रहा है उससे कहीं ज्यादा वो है जो हमें दिखाई नहीं देता। तो ये जो जुड़ाव के जो स्तर हैं, जिस तरह की चीजें हमारे सामने घटित हो रही हैं, उन अनुगूलियों को हम सुन पाते हैं जो दृश्य के बाहर से आ रही हैं, जो कवि के एक मनोजगत से आ रही हैं। दिखता हुआ दृश्य और कवि का मनोजगत दोनों मिलकर उस एक संपूर्ण यथार्थ को रचते हैं। वहां एक बात निकलती है और दूसरी बात तक चली जाती है। लाचारी, करुणा, अनुकंपा, सारी चीजें इस कविता के मुख्य भाव हैं। यहाँ आकर ये लगता है कि ऐसी कविता को किसी भी प्रकार की सजावट की जरूरत नहीं होती। मैं रावत जी की एक और कविता का उदाहरण दूंगा, जब ये स्त्री के ही बारे में इस तरह की कविता है, मैंने कहीं उसको नोट किया था। वो कहते हैं, ये कविता मैं पढ़ देता हूँ। वो कहते हैं, थकान से ही जुड़ी हुई ये कविता है, जिसमें वो कहते हैं करुणा की कविता है, जिसे मैं पढ़ देता हूं इसको। सूरज के ताप में कहीं कोई कमी नहीं, न चंद्रमा की ठंडक में, लेकिन हवा और पानी में ऐसा कुछ जरूर हुआ है कि दुनिया में करुणा की कमी पड़ गई है। इतनी कम पड़ गई है करुणा कि बर्फ पिघल नहीं रही, नदियां बह नहीं रही, झरने झर नहीं रहे, चिड़िया गा नहीं रही, गायें रमा नहीं रही, कहीं पानी का कोई पारदर्शी ऐसा टुकड़ा नहीं कि आदमी उसमें अपना चेहरा देख सके, अब उसमें तैरते हुए बादल के टुकड़े से उसे धो पोंछ सके। दरअसल पानी से ही होकर देखो ये दुनिया पानीदार रहती है, उसमें पानी के सारे गुण समा जाते हैं। तो ये जो एक कविता है, करुणा को प्रकृति से जोड़ना और उसमें एक नई तरह के सौंदर्य शास्त्र की फिलॉसफी को लाना, ये रावत जी, मुझे ऐसा महसूस होता है कि नई कविता और अकविता के बाद के दौर में ये पहली बार घटित हो रहा था जिसको हम इस तरह की कविता में पाते हैं। एक और कविता, मैं अभी थकान की बात कर रहा था, सोई हुई स्त्री की, इसमें रावत जी की घरेलू स्त्रियों के संसार पर बहुत सारी कविताएं। एक और कविता मैं पढ़ता हूँ, थक चुकी है वो, इतनी थक चुकी है वो कि प्यार उसके बस का नहीं रहा, 35 बरस के शरीर, ये मैंने पढ़ा, वो आगे कहते हैं कि घर ढूंढते ढूंढते थक गई है वो, रोटी सेकते हुए अक्सर वो बटन टोक रही है, कपड़े खींचते वक्त सुखा रही होती है धूप में अन अधपके बाल, फिरकी सी घूमती रहती है, पगलाई सी वो है, बच्चों को डांटती फटकारती, बिना बच्चों वाले सूने घर में बेहद घबरा जाती है, कितनी थक चुकी है वो, उसे एक दिन घुमाने ले जाना चाहता हूँ, बाहर दूर, घर से बाजार,
खाने के कपड़ों में से उसके असमय उम्र के घर से बाहर दूर घर से बाहर के बाजार में खाने से के कपड़ों से भिन्न उसके एक और समय में। यानी ये जो स्त्री की करुणा है, मुझे लगता है कि आज हम नई पीढ़ी की बहुत सारी कवित्रियों को देखते हैं, वो नींद पर कविता लिख रही हैं, जिसमें वो कहती हैं कि एक स्त्री है, जब वो सो रही है तो उसका समय अपना समय है, ना उसे अब बाहर की दुनिया का कोई तनाव है, ना उसे कल की कोई चिंता है, ये सोई हुई स्त्री का समय उसका अपना समय है। इस भावभूमि को पहली बार हिंदी कविता में भगवत रावत जैसे कवियों ने साकार किया। मैं और एक आध कविता उनकी बताना चाहता हूं कि जैसे ये देखिए, कहता है मैं बहरहाल घर संसार स्थानिकता लोक से नागर जीवन की ओर आगमन संवाद धर्मिता कवियों में कविताओं में कथा का एक विन्यास और नरेटिव की कविता। भगवत राव की कविताएं पढ़ते हुए लगता है कि कवि हर क्षण हर पल दूसरों के साथ है। मित्रता याराना सख्य भाव कॉमरेडशिप ये सब चीजें उनकी कविता में महज विषय वस्तु का मामला नहीं है, वे रचना के स्वर रचाओ मिजाज और मूल्यबोध में बसी हुई है। कविता के एक समग्र टेम्परामेंट में आप उसको देख सकते हैं। भगवत रावत इसी बुनियादी सदाशयता और निश्चलता की केंद्रीय भूमि पर खड़े होकर सहज अर्थगर्भ कविता को संभव करते हैं। एक घर परिवार की कविताओं से बाहर हम देखें तो उनकी कविताओं में गली मोहल्ला है, जन समूह है और जनपद है। यानी ये देखिए, एक कवि के संसार में तीन चार स्टेजेस उसकी कविताओं की है। घर परिवार की कविता, गली मोहल्ले की कविता, जन समूह की कविता और एक पूरे जनपद की कविता। और ये जो विषय वस्तु है इसमें इतने सारे वेरिएशंस हैं, इतनी विविधताएं हैं, इतने टेम्परामेंट हैं, इतने प्रकार की आप भावभूमियां पाएंगे कि मुझे ये लगता है कि ये जो एक नई तरह की जीवन धर्मी आवेगमयता है जो कविताओं में शक्ल बदल बदल के प्रकट हो रही है, इन कविताओं में अगर आपको उम्मीद दिखाई दे रही है, जिजीविषा का एक स्वर है, तो पराजय के भी बहुत सारे शेड्स मिलेंगे, बहुत सारी आत्मस्वीकृतियां मिलेंगी। विषय वस्तु की कोई लक्ष्मण रेखा इन कविताओं में नहीं है और आप ये देखेंगे कि पेशों पर तरह तरह के जो प्रोफेशंस हैं निचले वर्ग के, चाहे वो कुंजड़े हों, नाई हों, दर्जी हों, धोबी हों, कुमार हों, तांगा हकते हुए लोग हैं, इन पर कविताओं में इनके चित्र मिलेंगे। ये लगाव और संबंध जिस तरह से एक कवि के यहाँ उभरता है, मुझे लगता है कि एक बात और देखी जानी चाहिए जो हमारे यहाँ मुक्तिबोध के यहाँ भी थी। भगवत रावत जब साधारण वर्ग की कविता लिख रहे हैं तो कहीं इस बात को भी वो रखते हैं कि मेरे और उनके बीच एक वर्गीय दूरी है। ये जो असंपर्कत रहने का जो अपराध बोध है एक ईमानदार कवि का, कि उसकी कविता ओढ़ी हुई प्रगतिशीलता नहीं है, वो वास्तविक जीवन को देख रहा है लेकिन उस साधारण जीवन और कवि के बीच में वर्गगत दूरी है, इसको स्वीकार करना, एक अपनी सीमाओं को स्वीकार करना, ये एक खास प्रकार से मुझे लगता है कि एक खास तरह से कवि के विकास का और उसकी भावभूमि का एक गहन आंतरिक पक्ष है। एक कविता है वो लिखते हैं इसी अपराध बोध को लेकर। देखिए कितनी मार्मिक पंक्तियां हैं। मैंने कभी उन लोगों के साथ बैठकर पेड़ के नीचे पत्थर पर बैठकर खाना नहीं खाया, कभी उनकी हथेलियों की बट्टों को अपनी उंगलियों के पोरों पर महसूस नहीं किया, हमेशा आगे बढ़ गया, उनकी उठती हुई कुदालें देखता, पत्थरों से निकलती हुई उनकी चिंगारियों को कभी अपने जिस्म पर नहीं लिया। इस कविता में वो आगे लिखते हैं, वे तमाम लोग जिनके बारे में मैंने कविता लिखी कैसे बतलाऊं उन्हें मैं। ये जो कवि ने कविता लिखी और साधारण वर्ग जिसके बारे में वो कविता लिख रहा है उनको लेकर, उन तक वो इस कविता को नहीं ले जा सकता, उन तक इस कविता को नहीं उन्हें सुना सकता, ये वर्गीय जो एक तरह का गिल्ट है, जो अपराध बोध है, ये एक ईमानदार कवि की बुनियादी जमीन है। ये वो प्रगतिशीलता नहीं है
ये भाषा में आपने बड़े जादुई कुछ करिश्मे दिखा दिए, तो आप प्रगतिशील हो गए। ये वर्ग चेतस समाज में, एक विभाजित और खंडित समाज में, एक कवि की अपनी अपराध बोध जो व्यग्रता है, जो उसका एक तनाव है, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे इच्छित संसार से, हमारी वस्तु स्थिति के संसार के बीच का जो एक अंतराल है, उसको आप मुक्तिबोध से लेके भगवत रावत तक, ये बहुत सारी कविताओं में संभव हुआ है। और इसको सिर्फ कविता का ही मामला नहीं रह जाता, ये हमारे मनोवैज्ञानिक और एक प्रकार से सोशियोलॉजिकल फिनोमिना की भी एक कविता बन जाती है कि एक वर्गीय वर्ग विभक्त समाज में एक रचनाकार, एक कलाकार सबके साथ जुड़ता हुआ भी कितना ज्यादा उस दूरी को महसूस कर रहा है, उस दूरी को लांग नहीं पाता, कला में वो विकलता दिखाई देती है। तो ये जो एक बात यहाँ पर उठी कि भगवत रावत की ऐसी कविता लगाव और ये जो संलग्नता है वो व्यग्रता के कारण खालिस नेक नियत से आगे की कविता है, वो कुछ इस कविता में एक जोखम है। छोटे दूसरे स्तर पे आप देखिए कि वर्गीय विभाजन या अंतराल की वजह से उस कवि का चीजों को देखना रुक नहीं जाता, वो छोटे छोटे प्रसंग, सीधी सरल बातें, बतकही, गपशप, इतिवृत्त, उल्हाने, कचोट, वृतांत, सब कुछ को समेटे हुए वो अपने समय में उपस्थित है। ये एक और दूसरी बात मैं कहूंगा कि लोग अक्सर ये कहते हैं कि समय जटिल है, कभी ये कभी नहीं कहता कि समय जटिल है, कवि उस समय को देखता है और अपनी भाषा में उसे संभव करता है। कभी कभी एक स्थूल रूप से नहीं कहेगा कि मेरा समय जटिल है, कवि का घर उसकी भाषा में है, भाषा में उसका घर बनता है और उन सारे संदर्भों को अपने देखने में, अपने संवेदना तंत्र में लाता है। वहां हम कवि की कविता पढ़ते हुए ये अनुभव करते हैं कि वास्तव में एक ये कितना जटिल समय है, एक ईमानदार कविता भी कितने सारे अवरोधों को महसूस कर रही है। लेकिन इसके बावजूद ये जो संवाद धर्मिता है, इन सारी मुश्किलात के बावजूद ये जो संवाद धर्मिता है, ये जो दूसरों से जुड़ने की व्यग्रता है, मैं इसको बहुत ही महत्वपूर्ण मानता हूँ। और यहाँ मुझे एक बात और लगती है कि भगवत रावत जैसे कवि ने भाषा की उस परंपरा को, ये कला पक्ष की बात आ जाती है, भाषा की उस परंपरा से अपने को जोड़ा जो संबोधन की भाषा है, वो सीधे सीधे दूसरों तक जाने की भाषा है, उसमें प्रतीकों और बिंबों के खिलवाड़ नहीं है, उसमें अमूर्तताएं नहीं है, सीधे सीधे दिखता हुआ जीवन है और उसको कह देना है। तो इस परंपरा में भगवत रावत, भवानी प्रसाद मिश्र की जो एक बहुत महत्वपूर्ण परंपरा थी जिसको भगवत रावत के यहाँ हम देखते हैं, और इसमें क्या चीजें आपको महत्वपूर्ण दिखाई देती हैं, इसमें एक खास तरह की तत्परता है, एक अनौपचारिकता है, एक खुलापन है और एक आवेग है। तो ये जो चीज है कि भाषिक विन्यास में तत्परता भी हो, अनौपचारिकता भी हो, खुलापन भी हो और आवेग भी हो, और उन सबको एक विचार के ढांचे में जब आप देखते हैं तो आपको लगता है कि दृश्य की यथा तथ्यात्मकता से आगे ये कविता चली जाती है और इसकी प्रामाणिकता को लेकर किसी भी तरह का कोई संदेह नहीं किया जा सकता। भगवत रावत की कविता में एक दूसरी बात और बहुत महत्वपूर्ण है कि कहीं भी वो अभिजात कविता की तरह नपी तुली और बड़ी सूक्ष्मता और बड़ी खास तरह की चतुराई की कविता नहीं है, वो एक खास तरह से अनगढ़ता की कविता है। मैंने शुरू में कहा था कि भगवत रावत को इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि उनकी कविता में कलात्मकता कितनी है, वो आपको लुभाने के चक्कर में कभी नहीं फंसे। उसमें एक देशज किस्म की अनौपचारिकता है, वो जिस प्रकार से उसको एक विस्तार में जाते हैं जहां अपने मूल भावबोध में कोई कटाई छटाई नहीं करते, लेकिन उसी के भीतर एक तर्क से दूसरे तर्क तक जाने का एक विस्तार मिल जाता है आपको। वहां पर महत्वपूर्ण बात यह है कि एक नई तरह का एस्थेटिक इस कविता में उभरता है, उसमें शिल्प की चमक नहीं है, एक अनगढ़पन है। रावत जी की एक कविता का यहाँ मैं कोटेशन देना चाहूंगा, इस पर लिख रहा है जो उसे लिखना चाहिए, इसलिए कि लिखना जरूरी है, इसलिए कि रास्ता कोई और नहीं लिखने के सिवा,
लिखा जाना चाहिए, इसलिए नहीं कि लिखकर अमर होना है, इसलिए कि मर मर कर लिखना है। कलावादियों के बीच में ये किस तरह का साहस है, ये कविता सुनते ही खत्म हो जाने की निस्सारता को अपना आदर्श बनाती है, जैसे कि वो आपके अगल बगल आके खड़ी हो जाना चाहती है, उसमें अपनी कविता को लेकर कोई अमरता का भी कोई खामख्याली नहीं है। ये हमारी आवाजों को, हमारी खामोशियों को, हमारी किलकारियों को, हमारे रोदन को, हमारे स्वप्न और आकांक्षाओं को, हमारी नेक नियत और हमारी मक्कारियों तक एक पुरलुत्फ तरीके से जाना चाहती है। ये कहा जा सकता है कि भगवत रावत ने कहीं इस कला को लोकगीतों से साधा होगा। एक और दूसरी बात, भगवत रावत की कविता में एक बड़े परिवर्तन को हम देखते हैं 90 के दशक में। 90 के दशक में भारतीय समाज में कुछ बहुत बड़े बुनियादी परिवर्तन होते हैं। एक ओपन मार्केट, एक मुक्त बाजार आता है, उसी के साथ उपभोक्तावाद आता है, एक सांस्कृतिक प्रदूषण की स्थितियां आती हैं, राजनीति का एक माफियाकरण होता है और सांप्रदायिकता का उभार आता है। तो ये जो 90 के दशक के जो कुछ मुख्य बिंदु हैं, इन सब ने एक वस्तु जगत को एक खासा बदल दिया और एक सर्वमुखी संकट, एक चौतरफा संकट जो अनेक किस्म की विफलताओं के साथ हमारे समाज में हमें दिखाई पड़ रहा था, ये भगवत रावत जी की कविताओं में भी आया है। जैसे उनकी एक कविता पढ़ी जा सकती है, मैं सन 47 या उसके बाद पैदा नहीं हुआ। इस कविता में एक अछूती किस्सा गोई के साथ पूरे युग की विसंगतियां हैं। इसी तरह की एक कविता है पर्सनल ऐसे, जिसमें पूरे समय का एक वृतांत बन गया है। इसी तरह की एक कविता है इन दिनों, जो बाबरी मस्जिद के ध्वंस के बाद फैले सामुदायिक उन्माद के माहौल में मध्यवर्गीय आत्म केंद्रित मानसिकता को एक नई जमीन से उठाती है। खतरे हम तक नहीं पहुंच रहे, इसलिए वो खतरे नहीं है। ये जो ब्रेक्ट का एक पुराना मुहावरा था कि वो इसलिए हंस रहा है कि अभी बुरी खबर वहां तक नहीं पहुंची है, ये जो ब्रेक्टियन सच्चाई थी उसको भगवत रावत अपने यहाँ किस तरह से लाते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप उनकी एक कविता का यहाँ पर मैं उदाहरण देना चाहूंगा, एक कवि की विकलता और उसकी साधारण सी इच्छा अपने वर्ग को पार करके एक नए समय को समझने की जो उसकी बेचैनी है, उसको इस कविता में आप देखिए। न जाने कब से मिलना चाह रहा हूँ एक आदमी से, जिसके मिलते ही गले लगने पे दोनों की कमीज की जेब में रखे चश्मों के फ्रेम दबकर सचमुच टूट जाएं, बातें करते करते बीत जाएगी सारी रात और खाना रखा रखा ठंडा हो जाएगा। न जाने कब से लिखना चाह रहा हूँ एक लंबी चिट्ठी, जिसका कोई और छोर नहीं होगा और अंत में कुछ भी ना लिख पाने का अफसोस भी उसमें लिखा होगा। तो ये जो एक बात है, जिस तरह का समाज आत्मकेंद्रित और उपभोक्तावादी होता चला जा रहा था, जिसमें वर्गीय दूरियां और अधिक जटिल हो रही थी, जिसमें नफरत और घृणा का एक संसार था, जिसमें एक इम्पर्सनल किस्म का समय था, जिसमें मनुष्य और मनुष्य के बीच की एक दूरी बढ़ रही थी और संवेदना का एक ठंडापन फैलता चला जा रहा था, उस पूरे समय की जटिलता को रावत जी अपनी इस कविता में इन साधारण पंक्तियों में लाते हैं, जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात बनकर उभरती है। इसी तरह से मैं एक बात भगवत रावत के कविता के शिल्प के बारे में कहना चाहूँगा। आप ये देखिए, उनकी ज़्यादातर कविताओं में मैं का शिल्प है, लेकिन महत्वपूर्ण बात ये है कि ये मैं आत्म केंद्रित मैं नहीं है, ये एक ऐसा मैं है जिसमें समाज की बहुत सारी सामूहिकता दिखाई देती है। ये वो भक्ति काव्य वाली अकिंचनता है, जिसमें अपने में पूरा समाज शामिल हो जाता है। मुझे ये बात बहुत महत्वपूर्ण लगती है कि मैं का अर्थ यहाँ किसी प्रकार का अमूर्तन नहीं है, उस मैं के भीतर इतना सारा संसार है, कुछ बचा लेने की जद्दोजहद है, किसी प्रकार की कोई एक विकलता है, किसी प्रकार की एक सरलता है, किसी प्रकार की कोई एक प्रतिज्ञता है, प्रतिज्ञा है, किसी प्रकार का एक नैतिक प्रतिरोध है। तो ये सारी चीजें जो है, मुझे लगता है कि मिलकर भगवत रावत के समय को एक नया समय बनाती हैं, कविता में आता हुआ एक नया समय, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण बात ये दिखाई देती है कि रावत जी खंडित
चेतनाओं के और स्थितियों के कवि नहीं है। वे खंडित चित्रों से एक समग्रता को रचना चाहते हैं। इन कविताओं में वो आधुनिकतावादी संशय घिराव और आपदाएं नहीं मिलेंगी। इन कविताओं में एक समग्रता का बोध होगा। ये जो मेरा संकट है, ये सारे समाज का संकट है, ये जो मेरी पीड़ा है, ये सारे लोगों की पीड़ा है, और मैं उन व्यक्तियों को खोज रहा हूँ जिनकी पीड़ा मेरी जैसी है, जिन तक मुझे पहुंचना है। तो ये जो अपने वजूद से बाहर निकलना है, एक और जीवन की तलाश है जिसमें कोई भी चीज जो है वो अंतिम नहीं है, उसमें एक अनवरत सिलसिला है। ये जो क्लेश, थकान, क्षरण, अवसाद के बीच जो हिम्मत न हारने का जज्बा है, ये भगवत रावत की कविता को बहुत मार्मिक बनाता है। और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ यहाँ कि भगवत रावत अपने अंतिम दिनों में बहुत सारी शारीरिक तकलीफों से गुजरे। भगवत रावत जी की बहुत सारी शारीरिक व्याधियाँ थी, लेकिन महत्वपूर्ण बात ये थी, मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ, मैं कई बार उनके आराधना नगर में उनका जो घर था वो भीतर के कमरे से उठकर आए हैं और वो बहुत तकलीफ में रहे होंगे क्योंकि उनका डायलिसिस हुआ है थोड़ी देर पहले, और वो आते हैं हमारे बीच, बैठते हैं, बातें करते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, अपने आप से उभर आते हैं। ये जो बात है ये मुझे बहुत असाधारण लगी, और कई मौकों पर मैंने देखा कि अपनी निजी पीड़ा, अपने शारीरिक कष्ट को वो कला में भूलते हैं। एक प्रकार से हम उस मनुष्य को देखते हैं जिसके लिए एक भौतिक देह है जो उससे लगातार लड़ाई कर रहा है, संग्राम कर रहा है, लेकिन उसकी जिजीविषा भी है जिसके सहारे वो अपने वजूद से बाहर निकल आया है। सूरज ढल रहा है, एक और जीवन, तुम ही तो, आत्मा का गीत जैसी कविताएं इसी शांत और निर्वेद मन स्थिति की कविता है जिसमें अपने आप से तटस्थ हो जाने और बाहर खड़े होकर अपने को देखने का कौशल है। ये चीजें जीवन की एक एक बूंद को एक गहरी प्यास, एक अद्वितीय चाहत, एक अप्रतिम करुणा, एक अनुकंपा के साथ लौटने की कविता है। भगवत रावत ने कविता में एक ऐसी जमीन को उपलब्ध किया जो अपने कष्टों के साथ अपने से तटस्थ हो जाने के सौंदर्य बोध को बुनती है। अंतिम बात मैं ये कहना चाहूंगा कि भगवत रावत जी ने कभी भी अपने को विशिष्ट दिखाना नहीं चाहा, फिर भी उनकी इन कविताओं में कुछ है, कोई जादू है, उनके भीतर एक ऐसी कोई बात है जो अपने में रहती भी है और अपने से उबरती भी है, जो अपनी जमीन को भी समझती है और अपनी जमीन का अतिक्रमण भी करती है। ये जो एक बात है समूची आधुनिक कविता में उनके कवि को एक अद्वितीय कवि बनाती है, और मैं उनके बारे में अपनी बात को कहते हुए इन पंक्तियों के साथ अपने इस वक्तव्य को समाप्त करना चाहूँगा। बहुत ही मार्मिक उनकी पंक्तियाँ हैं। रहे वे लोग जिनके बीच गुजारी उम्र, तो अब उनके साथ को किस भाषा में कहूँ जिससे सचमुच निकले वो अर्थ कि उनके बिना जीवन संभव ही कहाँ था। उनके बिना मिलते जैसे जीवन के इतने स्वाद कैसे मिल पाते मुझे, किस तरह दूं उन्हें ध्यान धन्यवाद कि वो सिर्फ धन्यवाद जैसा ना लगे। ये जो एक कवि का जुड़ाव, उसकी दूसरों से जुड़ने की आकांक्षा, उसकी सरलता, अपने अहम का एक विगलन, एक अपने से बाहर आने की आकांक्षा, ये भगवत रावत ने कई तरह से, कई स्तरों पर हमें अपनी कविता में दिखाई है। और मुझे ये लगता है, मैं अंत में बात कहूँ कि आज दुर्भाग्य से हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जब अपनी परंपराओं के जीवंत तत्वों से हमारा संवाद लगातार कम होता जा रहा है। कई बार ये दुखद स्थिति मुझे युवा पीढ़ी में दिखाई देती है जिन्हें 25 साल 30 साल पहले की रचना धर्मिता में कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्हें, उन युवाओं को अपनी आत्मकेंद्रितता से बाहर आकर इस हिंदी कविता की एक बहुत ही समृद्ध परंपरा को देखना पड़ेगा। और जब हम इन कविताओं का पाठ पुनर्पाठ करेंगे तो बहुत सारे वो अर्थ, बहुत सारी वो जमीन हमें मिलेगी
जिनमें आगे की कविताओं के लिए बहुत बड़ी संभावनाएं छिपी हुई हैं। परंपरा और आधुनिकता का, परंपरा और समकालीनता का यही रिश्ता होता है कि हम परंपरा से बहुत कुछ सीखते हैं और उसको अपने समय में, अपनी आधुनिकता में, अपनी समकालीनता में ट्रांजिट करते हैं, उसको एक रूपांतरित करते हैं, और उन अर्थों में भगवत रावत हमारे लिए हमेशा एक आदर्श कवि रहेंगे। धन्यवाद। जी शुक्रिया विजय कुमार जी। और जो हमने बात अपने दर्शकों को कही थी कि देर आयत दुरुस्त आयत, वो बात आज सच साबित हुई। कितनी तैयारी के साथ और किस धारा प्रवाह अंदाज में आपने भगवत रावत जी की कविताओं पर कितनी अच्छी बातें और अच्छी से भी अधिक इतनी विश्लेषणात्मक बातें की, बहुत ही अच्छा लगा। और शुक्रिया विजय जी। कुछ संस्मरण भी आए और संस्मरणों के बीच जिस तरह से उन कविताओं की व्याख्या आपसे अपेक्षित थी वह पूरी हुई, मैं यही कहूंगा। और एक बिंब जो आपने उनके व्यक्तित्व को लेकर यहाँ पर रखा कि उनके भीतर जो खुलापन है वह खुलापन कुछ इस तरह का है कि जैसे बारिश के बाद आसमान खुल जाता है, और फिर उस खुलेपन में वह खुलापन हमें भी इसी तरह से खुलने के लिए बाध्य कर देता है। तो यह शख्सियत, जी जी बहुत अच्छी बात लगी। और यहीं पर मुझे विजय जी उनकी वह एक कविता याद आई, चिड़ियों को पता नहीं, चिड़ियों को पता नहीं। अगर आप कहें तो इस कविता को पढ़ता हूं। चिड़ियों को पता नहीं, चिड़ियों को पता नहीं कि वे कितनी तेजी से प्रवेश कर रही हैं कविताओं में इन दिनों, इन अपने दिनों में खासकर उन्हें चहचहाना था, इन अपने दिनों में खासकर उन्हें चहचहाना था, उड़ाने भरनी थी और घंटों गर्दन में चोंच डाले गुमसुम बैठकर अपने अंडे सेने थे। मैं देखता हूं कि वे अक्सर आती हैं बेहद डरी हुई पंख फड़फड़ाती आहत या अक्सर मरी हुई। उन्हें नहीं पता था कि कविताओं तक आते आते वे चिड़ियां नहीं रह जाती। वे नहीं जानती कि उनके भरोसे कितना कुछ हो पा रहा है और उनके रहते हुए कितना कुछ ठहरा हुआ है। अभी अभी जब वे अचानक उड़ेंगी तो आसमान उतना नहीं रह जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मार्मिक पंक्तियां हैं विजय जी। अभी जब वे अचानक उड़ेंगी तो आसमान उतना नहीं रह जाएगा, और जब वे उतरेंगी, और जब वे उतरेंगी तो पेड़ हवा हो जाएंगे। क्या बात। जब वे उतरेंगी तो पेड़ हवा हो जाएंगे। मैं सारी चिड़ियों को इकट्ठा करके उनकी ही बोली में कहना चाहता हूं कि यह बहुत अच्छा है कि तुम्हें कुछ नहीं पता। तुम हमेशा की तरह कविताओं की परवाह किए बिना उड़ो, चहचहाओ और बेखटके अलमारी में रखी किताबों के ऊपर घोंसले बनाओ अपने अंडे से हो। न सही कविता में, पर हर रोज पेड़ से उतरकर घर में दो चार बार जरूर जाओ। ये सादगी और ये हाँ। ये सादगी और ये गहन बिंब धर्मिता हिंदी कविता में अद्वितीय है। कहने का ये लहजा ही बड़ा अद्वितीय है जी। और आप जी, आपकी वह बात भी याद आई कि कैसे भगवत रावत स्वयं को विस्मृत करके आनंद उठाने वाले कवि हैं, जीवन के इतने करीब जाते हैं। बहुत ही, बहुत जी।
और उस वर्गीय विभेद पर। जी जी प्लीज। अर्पण कुमार जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये मैं कहना चाहूंगा कि 80 के दशक को अक्सर एक नई पीढ़ी के रूप में देखा जाता है। 80 के दशक के कुछ नाम बार बार लिए जाते हैं। मुझे लगता है कि हिंदी आलोचना ने भगवत रावत या चंद्रकांत देवताले या विनय दुबे या विष्णु खरे के साथ इन अर्थों में एक नाइंसाफी की है कि 80 के कवियों की ये जमीन तो पोस्ट इमरजेंसी पीरियड में 75 के बाद शुरू हो चुकी थी। वो 5 सालों का जो समय है 75 से 80 का, वो बहुत महत्वपूर्ण समय है। उसमें एक जमीन तैयार हो रही थी जिसपे बाद में 80 के बाद आई हुई पीढ़ी अपना मकान बनाती है। तो ये जमीन रावत जी जैसे लोग तैयार कर रहे थे, हीरामन जैसी कविता है, या वो उस तरह की मेधा पाटकर पर लिखी हुई उनकी कविता है, या उनके एक और कविता बाजारवाद पर अद्भुत कविता है बदलते मौसम का मिजाज, या उन तमाम अनगिनत लोगों पर वो कविता है कि वे इस पृथ्वी पर है, या एक कविता है जैसे उनकी है इतनी बड़ी मृत्यु हड़बड़ी का जो समय है। ये सारी लौटते घर लौटते हुए साधारण लोगों पर उनकी एक कविता है लौटना। तो मुझे लगता है कि रावत जी की ये जो जमीन है जो आगे जाकर 80 के दशक में 90 के दशक के पूरे एस्थेटिक्स को बदलती है, इसको हमेशा हमारी विश्वविद्यालय की जो यूनिवर्सिटी की जो हिंदी आलोचना है उसने जितना महत्व दिया जाना चाहिए था नहीं दिया, और इन सारी कविताओं के पुनर्पाठ की जरूरत है। ये मैं मुझे महसूस जी है। बिल्कुल बिल्कुल। कई ऐसी कविताएं लोक कथाओं के प्रभाव की आपने चर्चा की, कितनी ऐसी कविताएं हैं, सुनो हीरामन है या तीजन भाई पर लिखी हुई उनकी कविता भाई है बिल्कुल, और जिस तरह से अशोक को लेकर भी वे पूरा रूपक रचते हैं कि आज तो पूरा देश ही कलिंग बना हुआ है, तुम शोक मत करो अशोक आज तो पूरा देश कलिंग बना हुआ है, बाजार संस्कृति के क्षेत्र में भी जिस तरह से आ रहा था इसकी आहट को भगवत रावत जिस तरह से सुन रहे थे, आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण लगता है। जी, एक और किसी और कड़ी में, किसी पहले की कड़ी में मैंने उनकी एक कविता बिना शीर्षक की कविताएं उसको भी पढ़ा था, तो वहां कविता के मुहावरे में भी वो एक आम जन जन की जो ताकत है और आम जन को अपने साथ मिलाने की जो कवायद है उसको लेकर भी वह बात पढ़ी, बिना शीर्षक की कविताएं जिसमें बिना नाम के लोग हैं, बिना जातियों के लोग हैं, तब कैसे एकता है और कैसे उन्हें जातियों में समुदायों में बांट दो, वह भाव भी उस कविता में उभर कर आता है। एक और बहुत अच्छी बात आपने कही कि वर्गीय विभेद को वे समझते हैं और वे उससे दूर हैं, वे मतलब उसमें नहीं हैं, वे उस श्रमशील वर्ग से नहीं हैं, कभी बचपन में संघर्ष किए लेकिन बहुत नहीं, तो वो उसको भी समझते हैं, वो आत्मस्वीकृति के रूप में हाँ उनका चित्रण कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं खुद को भी जान रहे हैं कि वे क्रमशः एक मध्य वर्गीय परिवार में ही हैं, तो वो कुछ एक पंक्तियां हैं और उस श्रमशील समाज की अपनी सादगी है, संघर्ष तो है ही। जब भी मैं विजय जी, मैं आजकल गोरखपुर में हूँ, जब भी मैं अपने ऑफिस से घर की ओर लौटता हूँ तो आज भी एक महत्वपूर्ण मोहल्ले में ऑफिस से घर के बीच सड़क किनारे 3-3 ईंटें रखी हुई मिलेंगी, दिन में वो वहां कोई नहीं है कुछ नहीं है, और शाम में झुटपुटे में आइए 7:30-8 उन सभी ईंटों पर खाना बन रहा है, चावल बन रहे हैं, सब्जियां बन रही है, तो ये जो चूल्हे ईंटों का चूल्हा कुछ नहीं है वो आप दिख जाएंगे, लेकिन शाम में वहां रोशनी है, वहां कोई काम कर रहे हैं, 2 लोग 3 लोग अलग अलग समूह के लोग, मतलब इस तरह से मान लीजिए 7-8 समूह वहां पर खाना बनाते हैं, सोते हैं, फिर गा भी रहे हैं, काम भी किए हैं, खाना जाहिर है कि बहुत वो एक सुविधापूर्ण जीवन तो जी नहीं रहे। उपभोक्तावादी जो संस्कृति आई है जिसमें मध्य वर्ग के भीतर जो आत्मकेंद्रितता बढ़ी है, ये जो ग्रास रूट के स्तर का जो जीवन है उसको देखने की ये क्षमता जिस तरह से आज बहुत सीमित हो गई है, वहां भगवत रावत जैसे
कवि का हमेशा महत्व रहेगा कि वो बहुत रेडिकल लगने लगते हैं। हाँ वो देखते हैं उसको, वही कविता है, बस 3 2 5 पंक्तियां हैं इस कविता में। अपना गाना इसको पढ़ता हूं कि जब मैं लौटूंगा इस सड़क से देर रात गए अपने पक्के मकान की तरफ, जब मैं लौटूंगा इस सड़क से देर रात गए अपने पक्के मकान की तरफ, तब वे लोग इसी सड़क के किनारे गा रहे होंगे, तब वे लोग इसी सड़क के किनारे गा रहे होंगे। अभाव में भी जो भाव का जीवन है या उसमें भी जो तन्मयता को कभी देख लेता है, वो जो आप कह रहे थे किसी और संदर्भ में कि वे कैसे अपनी कविताओं को लोक गीतों से साधते हैं, तो यहां भी वह प्रभाव दिखता है। लोक गीतों की वह ताकत, या जो बेतवा पर जो उनकी कविता है, क्या अद्भुत कविता है विजय जी, बेतवा पर जो पूरा बेतवा के बहाने उस पट्टी की पूरी संस्कृति हमें दिखाई पड़ती है। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत ही मजा आया। और आलोचना में कई ऐसे शब्दों को आपने बिल्कुल छोड़कर अपनी बात कही, और क्या खूब कही, कितने सारे आपने उसके लिए समुच्चय बनाए अपने पाठ में, वह अच्छा लगा, जिसमें आप उन्हें अति साधारण से जुड़े हुए कवि बतलाए, बाद के दिनों में कैसे वे शांत और निर्वेग मन से कविताएं लिख रही हैं उसकी आपने चर्चा की, खंडित अपनी कविताओं में खंडित चित्रों से कैसे वे समग्रता को रचते हैं इसको आपने स्पष्ट किया। तो कई ऐसी बातें हुई जो अच्छी लगी, और जो एक बिल्कुल घिसी पिटी शब्दावली है आलोचना की, उससे मुक्त होकर अपने ढंग से आपने बातें कही, तो उससे उसकी सरसता और बनी रही, बड़ा मजा आया सचमुच। अब ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका न मित्रों का, कुछ एक चित्र जो आपने भेजे थे वो मैं यहाँ दिखला दूं और उस पर कुछ कमेंट करें आप, अच्छा लगेगा जी। कौन से मैं भेज रहा हूँ जी, आपको दिख रहे हैं? अच्छा जी हाँ, ये चित्र ये राजेश जोशी के घर का है, बहुत महत्वपूर्ण चित्र है इसमें। राजेश जोशी हैं, विजय बहादुर सिंह हैं, आप हैं। भोपाल में हंगल साहब आए थे तो नामवर सिंह और हंगल साहब की उपस्थिति में भारत भवन में एक कार्यक्रम हुआ था, तो उसके बाद राजेश के घर पे हम सब लोग बैठे थे, जिसमें विजय मोहन सिंह हैं, चंद्रकांत देवताले हैं, रावत जी हैं, विनय दुबे हैं, नरेंद्र जैन हैं, चंद्रकांत देवताले के साथ केदारनाथ सिंह हैं इसमें जी, और पीछे की तरफ प्रभात त्रिपाठी खड़े हैं, कमला प्रसाद खड़े हैं, नवल शुक्ल। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण चित्र है और मैं समझता हूँ एक ऐतिहासिक चित्र है। जी नरेश सक्सेना भी दिख रहे हैं, नरेश सक्सेना भी है इसमें। जी बहुत ही महत्वपूर्ण चित्र है जी। ये क्या साल रहा होगा, कुछ याद है वर्ष क्या रहा होगा? ये शायद मुझे लगता है कि 95-96 के आसपास का ये रहेगा चित्र। जी हंगल साहब भारत भवन में आए थे जी, नामवर सिंह भी थे। ये नरेंद्र जैन से मैं पूछूंगा, पता चल जाएगा, या विजय बहादुर सिंह से पता चल जाएगा, विजय बहादुर सिंह भी हैं। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल, और अपने उसी अंदाज में है। हाँ बहुत बड़ा जी। और एक चित्र यह आपसे प्राप्त हुआ, बहुत प्यारा चित्र जी। हाँ ये भी किसी कला प्रदर्शनी के अवसर का है, रावत जी कला प्रदर्शन, राजेश जोशी है और मेरा ख्याल है वो मंडलोई जी हैं, जाहिद खान है, मंडलोई जी हैं। हाँ, और ये है हाँ, ये धनंजय वर्मा भी दिखाई दे रहे हैं इसमें, धनंजय वर्मा भी है ना, सफेद कुर्ते पजामे में धनंजय वर्मा है। जी। और एक दो चित्र और देख के फिर हम लोग जी, यह भी किसी पुस्तक के लोकार्पण का चित्र है। जाहिद खान की किताब का विमोचन हो रहा था, नामवर जी हैं इसमें, भगवत रावत हैं, राजेश जोशी हैं और चंद्रकांत देवताले हैं, और ये चंद्रकांत देवताले और राजेश के बीच में शायद पूर्णचंद रथ है मेरा ख्याल है जी। हाँ ये भी महत्वपूर्ण चित्र है जी। और एक चित्र और जी हाँ जाहिद खान उनकी किताब का विमोचन हो रहा है उसी कार्यक्रम का, यह दूसरा चित्र है
उसी कार्यक्रम का चित्र है। तो इस तरह से ये कुछ एक चित्र थे, कुछ और चित्र भी होंगे। फिलहाल हमारे पास एक आध चित्र मुझे और भी कहीं मिले थे, लेकिन वो अभी समय अभाव में उसको दिखा नहीं पाया। तो बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। मैंने थोड़ी सी तैयारी की, मतलब बहुत तैयारी तो मैं नहीं कर पाया, पर जैसा भी बोल पाया मुझे लगता है कि परीक्षा ठीक हो गई। बहुत शानदार, ज्यादा तैयारी कर दो तो पता नहीं क्या होता। जैसा भी बोल पाया, बहुत धारा प्रवाह हो गया। बहुत बहुत आलोचना की जो आपकी अपनी जो एक उसकी जो जो आप कहते हैं कि कवि का अपना घर भाषा में होता है, तो आलोचक का भी अपना घर भाषा में होता है। मैं कहूंगा आपके लिए, और यह भी कहूंगा, आपने एक जगह यह बात भी कही कि भगवत रावत जी कैसे अपनी कविताओं में अपनी टिप्पणी और चिंतन के बीच का फांक मिटा देते हैं। मुझे भी लगता है कि आप गाहे बगाहे अपने वक्तव्यों में चिंतन और टिप्पणी के बीच के उस फांक को मिटाते हुए चले हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही प्रभावी वक्तव्य मैं मानता हूँ इसको, विजय जी। जी चलिए, शुक्रिया। हाँ जी, शुक्रिया, और उम्मीद करता हूँ फिर किसी और कड़ी में आप यहाँ आएंगे, अच्छा लगेगा। जी ठीक, जी जी, धन्यवाद। और मित्रों, आज की कड़ी यहीं विराम लेती है। भगवत रावत जी पर एकाग्र अभी चल रहा है, अगली कड़ी में हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।